सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो, तो सोमती अमावस्या का विधान। इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की तीन गतियां, पितर, आहुत, वासुक, कितने? तीन। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, पितर। अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, बस तीन। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहाँ पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा बढ़ गया। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, कालसर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे। 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए आधा घंटा पानी में। जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा एक चम्मच पानी शिवजी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज का जो उपाय गुरुजी ने बताया है
बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय। अगर आपके घर में काल सर्प दोष, पितर दोष या वास्तु दोष है तो आपको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। आपको यह उपाय सिर्फ एक अमावस्या के दिन करना है, चाहे आप सोमवती अमावस्या के दिन करें, चाहे वैसे ही हर महीने अमावस्या आती है, किसी भी अमावस्या के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री का फल लेना है, पका हुआ फल आपको लेना है। फल को फोड़कर उसमें से जितना भी अंदर का भाग है, अंदर का जो भी गुद्दा है, उसको आपको निकालना है। पूरा अंदर से आपको उसको खोखला करना है। उसके बाद आपको आटा सेकना है, आटे को भून लेना है और उसमें थोड़ा सा मीठा, मीठे में गुड़ की शक्कर मिला लेनी है। आटे में शक्कर मिलाने के बाद उस बेलपत्री के फल को अच्छी तरह से आपको इस शक्कर मिले हुए आटे से भर लेना है। बेलपत्री के फल में आटा भरने के बाद पूरे घर में आपको इस फल को घुमाना है और परिवार के हर सदस्य का हाथ भी लगवाना है। यह उपाय आपको करना सुबह 10 बजे से पहले है। 10 बजे से पहले पहले आप उस फल को भर लीजिए, पूरे परिवार का हाथ लगवाकर 10 बजे से पहले किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको उसे दबा देना, थोड़ा सा खड्डा खोदकर उसमें आपको दबाकर आ जाना। यह छोटा सा उपाय करने से आपके घर में कितना भी बड़ा पितर दोष हो उससे आपको मुक्ति मिलती है, आपके कार्य की हर बाधा दूर होती है। और इसके साथ ही गुरु जी ने एक दूसरा उपाय भी बताया है। दूसरा उपाय आपको तब करना है जब आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उसके दवाई नहीं लग रही, आपने जगह जगह से उसको डॉक्टर को भी दिखा लिया, अलग अलग डॉक्टरों से दवाई भी ले ली, पर उसकी ना तो बीमारी पकड़ में आ रही है और ना उसको दवाई लग रही, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्री का फल लेना है। अब यहाँ क्या करना है, बेलपत्री के फल के अंदर का जो भाग है, अंदर का जो गुद्दा है, उसको निकाल कर आपको रखना है। अंदर का जो भाग होगा उसे आपको पानी के अंदर गलाना है, ज़्यादा भी नहीं गलाना, 30-40 मिनट तक आपको उसे पानी में भिगो कर रखना है। उसके बाद उसी जल को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर उसी जल से अभिषेक करना है और अंत में थोड़ा सा जल, उसी जल में से जो शिवलिंग से होकर नीचे गिरता है उसमें से थोड़ा सा जल आपको कटोरी में लेकर वापस आना है। जो बीमार व्यक्ति है उसको दवाई देने से पहले आधे से आधा चम्मच या एक चम्मच जितना भी वो ले सके वो जल आपको पिलाना है और उसके बाद आपको दवाई देनी। यह छोटा सा उपाय करने से अवश्य बीमारी में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा और महादेव की कृपा से जो बीमार व्यक्ति है वो जल्द से जल्द स्वस्थ भी होगा। तो आज के इस वीडियो में ये दो उपाय गुरुजी ने बताए थे। मैंने कोशिश की है पूरा उपाय आपको बताने की, समझाने की। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे चैनल की आप मेम्बरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।